हेलो दोस्तों दोस्तों एसएससी जीडी के फिजिकल को लेकर के सीआरपीएफ की वेबसाइट पर कल एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि एसएससी जीडी का जो फिजिकल है वो अगस्त और सितंबर के महीने में कराया जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं कि फिजिकल के टाइम पे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल के टाइम पे लेके जाने हैं ये उस नोटिस में बताया गया है, लेकिन कंप्लीट नहीं बताया गया है। तो दोस्तों मेरे कुछ दोस्त हैं जो 2015 की भर्ती में सेलेक्टेड हैं, तो मैंने उनसे पूछ करके सारी डिटेल निकाल के कि 2015 में फिजिकल के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे ये मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। और काफ़ी सारे भाइयों का ये डाउट आ रहा था कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो खो गया है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो ये सारी चीज़ें मैंने पता की हैं और मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों पहले हम नोटिस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नोटिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट बताए गए हैं। दोस्तों ये वो नोटिस है जो सीआरपीएफ ने रिलीज़ किया था, तो ये वाला पैराग्राफ आप पूरा पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है, इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म दैट पीईटी पीएसटी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ऑफ द एफोरसेड एग्जामिनेशन इज टेंटिवली शेड्यूल्ड इन अगस्त सितंबर 2019। मतलब आपका जो फिजिकल है वो अगस्त और सितंबर में कराए जाने की संभावना है। कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू ब्रिंग देयर आईडी, प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड एंड एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद नेसेसरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। मतलब दोस्तों एक तो आपको आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना होगा अपना, साथ में फिजिकल का एडमिट कार्ड ले जाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना होगा। मतलब जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ले जाना होगा, और साथ में जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं वो ओरिजिनल आपको लेके जाने होंगे। तो दोस्तों इस नोटिस में डॉक्यूमेंट के बारे में बस इतना ही बताया गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि 2015 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। तो सबसे पहले आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा जिसपे आपका फोटो हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइवरी लाइसेंस हो। दूसरा आपको फिजिकल का एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा, और तीसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना होगा। दोस्तों काफ़ी सारे कमेंट इस चीज़ को लेकर के आ रहे हैं कि बहुत से भाइयों का एप्लीकेशन फॉर्म खो चुका है या फिर उन्होंने प्रिंट आउट नहीं लिया था, पीडीएफ में सेव किया हुआ था और वो पीडीएफ धोखे से डिलीट हो गई। दोस्तों 2015 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मांगा था, लेकिन इस बार लिखा हुआ आया है कि ये आपको लेके आना है। तो जिनका खो चुका है उनके लिए मैं दो चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जब आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम पर आपको रीप्रिंट करने का मौका दोबारा ज़रूर दिया जाएगा एसएससी के द्वारा, जिससे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से रीप्रिंट कर लो। जैसा कि यूपी पुलिस में भी हुआ था कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी है 2018 वाली, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत कैंडिडेट्स का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो खो चुका था, तो उनको रीप्रिंट करने का मौका मिल गया था। अब अगर ये मौका एसएससी नहीं देती है तो आपको क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आईडी जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर मॉडिफाई एप्लीकेशन करने का एक ऑप्शन आता है, और जब आप मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर तीन पेज आपके सामने खुल के आएंगे। आप उन तीनों पेजों का प्रिंट निकाल लेना और उसी को लेकर के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों आपको अपने दो से तीन कलर फ़ोटो भी वहाँ पे लेके जाने होंगे, और ये फ़ोटो बिल्कुल वैसे होने चाहिए जो आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे दिए थे। अब दोस्तों अगर वो फ़ोटो आपके पास नहीं है तो आप नए फ़ोटो भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपका चेहरा मैच होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, और इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कितना भी पुराना होगा चल जाएगा। और काफ़ी सारे कमेंट इस तरह के आ रहे थे कि डोमिसाइल में जो उनका एड्रेस है वो कुछ और है, और जब फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ पर धोखे से थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ कि चाहे एप्लीकेशन फॉर्म में आपके नाम में मिस्टेक हो गई हो, फादर नेम में मिस्टेक हो गई हो, एड्रेस में मिस्टेक हो गई हो, यानी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक अगर आपकी हो गई है, तो उसके लिए आप दो काम कर सकते हो। पहला काम तो आप ये कीजिए कि फिजिकल स्टार्ट होने से पहले एक बार आपके क्षेत्र में जहाँ भी एसएससी का ऑफिस है वहाँ पर चले जाइए, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो आपसे फॉर्म भरवा लें और आपकी जो भी मिस्टेक है वो सही कर दें, है ना। अब अगर वहाँ पर वो सही नहीं करते हैं तो 100% ये श्योर है कि जब आपका फिजिकल होगा उसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आपका वो ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन उसको आपको क्या करना होगा, आपको एक एफिडेविट बनवा के ले जाना होगा कि गलती से हमसे ये जो मिस्टेक हो गई है स्पेलिंग में, तो इसको जो है हमारा सही करा दें। तो आप एफिडेविट बनवा के ले जाना, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो वो आपको सुधार दिया जाएगा, है ना। चलो उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र। तो ये इसके बारे में भी दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि ये एक तो सेंट्रल वाला होना चाहिए, स्टेट वाला नहीं चलेगा, और ये 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। दोस्तों जनरल कैटेगरी वाले ध्यान दें कि कास्ट सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी का नहीं बनता है, बाकी सभी कैटेगरी का ये बनता है। अगला डॉक्यूमेंट है इनकम सर्टिफिकेट।
आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों 2015 के वेरिफिकेशन में इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया था और 2019 में भी ये नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास है तो आप रख के ले जा सकते हो। अगर आप खुद कमाते हो तो ये आपके नाम का होगा, और अगर आप नहीं कमाते हो तो ये आपके पिताजी के नाम का होगा। अगला डॉक्यूमेंट है 10th की मार्कशीट, यानी आपके जो 10th के डॉक्यूमेंट होते हैं उसी से आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका जो नाम है वो कन्फर्म कराया जाता है। तो उसके बाद दोस्तों अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपना एक्स सर्विसमैन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उसको आप रख के ले जाइएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी वहाँ पे लेके जाने पड़ेंगे, और इनकी दो दो फोटोकॉपी करा करके दो सेट बना लेना और उनको वहाँ पे लेके जाना। अब दोस्तों इनके अलावा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एसएससी को चाहिए होगा तो उसके लिए वो नोटिस पहले ही रिलीज़ कर देगी, तो अगर कोई नोटिस आएगा तो वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप इतने ये जो डॉक्यूमेंट है इनको तैयार कर लीजिए, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, जय हिंद।